एक बार फिर से रीवा जिले में पत्रकारिता कलंकित हुई है। वसूली धोखाधड़ी, पुलिस कर्मियों से लेकर पत्रकारों के ऊपर तक झूठे आरोप लगवाने के बाद अब बदनाम करने वाली गैंग के ऊपर एक युवती ने थाना पहुंचकर तीन युवकों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती के साथ उसका पड़ोसी उमेश सिंह नाम का युवक विगत 6 वर्षों से अश्लील वीडियो बनाकर दुष्कर्म कर रहा था। वहीं पीड़िता ने जब दूसरी शादी कर ली और इसकी मनमानी मानने से इनकार कर दिया तो उमेश सिंह अपने तथाकथित पत्रकार साथी अमर मिश्रा और प्रद्युमन शुक्ला का सहयोग लेकर उक्त अश्लील वीडियो मीडिया में चलाने की भी धौंस दिखाई। वहीं आरोपी ने इनके सामने भी युवती को परोस दिया। वहसियों की इतनी हिम्मत बढ़ी कि परिवार वालों को ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया और रिश्तेदारों के पास वीडियो भेजने की धमकी देकर मनमानी करने लगे। इतना ही नहीं, जब पीड़िता इनकी गंदी हरकतों से उब गई तो आरोपियों ने घर के लोग जहां नौकरी करते थे उनके प्रतिष्ठानों के खिलाफ पत्रकारिता की धौंस दिखाते हुए अपने विजिटिंग कार्ड लगाकर GST से लेकर अन्य वसूलीबाज अधिकारियों के पास शिकायत करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि दबाव बनाने के लिए पीड़िता की माँ जहाँ नौकरी कर रही थी उसे भी वहां से निकलवा कर बाहर का रास्ता दिखाया। हार कर पीड़िता थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने भी पत्रकारों का मामला होने का बहाना बनाकर पीड़िता को लटकाने लगे और जांच के नाम पर इस दर से उस दर पीड़िता भटक रही है। आपको बता दें कि जिले में कई पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच किए झूठे मामले दर्ज किए जा चुके हैं और ऐसे मामलों में पुलिस जांच करना भी मुनासिब नहीं समझती और इन वसूलीबाजों का उपयोग कर सोशल मीडिया में FIR वायरल करा रही थी। लेकिन खुद पुलिस के पाले हुए तथाकथित पत्रकारों के द्वारा जब एक युवती की अस्मत लूटी गई तो पुलिस ही ढाल बनकर खड़ी है। पीड़िता को जब न्याय मिलता नहीं दिख रहा तो वो अपनी मां के साथ हमारे कार्यालय पहुंची और अपनी पूरी पीड़ा बयां की है। पीड़िता की माने तो जब वो नाबालिग थी तब उमेश सिंह उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसके कुछ फोटोज ले लिए थे जिन्हें दिखाकर उसका शोषण करना शुरू कर दिया और इस दौरान पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाया, खुलकर मनमानी करने लगा। किशोरी बालिग हुई और आरोपी की मनमानी से इनकार किया तो उसे ब्लैकमेल किया जाने लगा। वहीं पीड़िता ने परेशान होकर शादी की तो आरोपी उमेश सिंह अपने दो तथाकथित वसूलीबाज पत्रकारों अमर मिश्रा और प्रद्युम शुक्ला की मदद ली और उनकी धौंस दिलवाई कि अश्लील वीडियो न्यूज चैनल में चलवा देगा। मीडिया का नाम आते ही पीड़ित और उसका परिवार एक बार फिर दहशत में आ गया तो दोनों वसूलीबाज पत्रकार पीड़िता की इज्जत को तार तार कर दिए। शादीशुदा युवती आरोपियों की घिनौनी हरकत से तंग हुई तो थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि फरवरी 22 से मार्च 22 के बीच आरोपी पत्रकारों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। आपको बता दें कि दोनों तथाकथित पत्रकारों और उनके गैंग के कई वसूलीबाजों पर आरोप लग चुके हैं। आरोपी प्रद्युम शुक्ला तो धोखाधड़ी के मामले में जेल की हवा भी खा चुका है। वही अमर मिश्रा के खिलाफ बाइक लूट की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई थी। इतना ही नहीं, अस्पताल के ठेकेदार के द्वारा वसूली के पैसे न देने पर जमकर आरोपियों ने मारपीट किया था। ढाबों में शराब पीने और खाना खाने के बाद पैसा न देना इनकी आदत है जिसकी FIR भी चोराटा थाने में दर्ज है। इतना ही नहीं, इनकी गैंग का एक सदस्य CSP और थाना प्रभारियों के नाम से गांजा तस्कर से हजारों रुपए ऐंठा था जिसका कोरिक्स बिकवानी का ऑडियो वायरल हुआ था और उसके खिलाफ तत्कालीन SP आबिद खान के निर्देश पर बिछिया थाने में मामला भी दर्ज हुआ था और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं इन दिनों नेताओं के लिए IT सेल के रूप में काम कर रहा है। ऐसे वसूलीबाज पत्रकारों के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने के चलते पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से बात की तो उन्होंने पीड़िता और उसकी मां को बुलाकर पूछताछ की और कहा कि पीड़िता की शिकायत पर जांच की जा रही है, जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि पीड़िता को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। तथाकथित पत्रकारों से अपनी प्रशंसा छपवाने वाली पुलिस अपने ही पाले उक्त आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर समाज में पत्रकारों की छवि को बचाए रखने का प्रयास करती है या फिर मामले को भी राजनीतिक दबाव की बात कहकर रफा दफा कर देती है। हालांकि पीड़िता ने वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर महिला आयोग तक शिकायत करने की बात कही है। आइए आपको सुनाते हैं उस पीड़िता को जिसे पत्रकारिता को कलंकित करने वालों ने हवस का शिकार बनाया। फिर आपको सुनाएंगे एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा को जिन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। घटी है और कब से घटना घटित हो रही थी? वे मेरे साथ आज जब से मैं नाबालिग हूँ 15-16 साल से घटना घट रही है। कुछ पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकार बताते हैं, तो तीन लोग मिले हुए हैं इसमें
और मुझे हमेशा से परेशान करते हैं, कट्टा चाकू ये सब रख के मुझे हमेशा से ब्लैकमेल करते आए हैं। ज़बरदस्ती मेरे साथ मैहर में एक बार ऐसे सिर्फ सिंदूर डाल के मुझे बता दिया गया कि मैं मुझसे शादी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था और उस समय मैं नाबालिग थी। तो उनको एक रास्ता मिल गया मुझे परेशान करने का और वो लगातार घर आते रहे मेरे और मेरे साथ शारीरिक शोषण बनाते रहे। उसके बाद उनके कुछ और साथी भी अमन मिश्रा और प्रद्युमन शुक्ला, इन दोनों ने भी साथ में मिलके मेरे साथ वही चीज़ किया और तीनों ने साथ में गुट बना के यही कहा मुझे कि अगर मैं अगर कहीं भी अपना मुँह खोलती हूँ तो ये लोग तो मुझे जान से मार देंगे, या तो मेरे घर वालों को परेशान करेंगे, मेरे भाई बहन को किडनैप करा लेंगे, या तो मुझे जान से मार देंगे और मेरी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की, किससे किससे न्याय की गुहार लगाई? मेरे सिविल लाइन थाना में भी 2-3 मुकदमा मैंने डलवाया हुआ है। उसके बाद SP ऑफिस भी मैं गई थी, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या पत्रकार बनकर दबाव बना रहे हैं? अभी ये तो उनकी बातों से लग रहा है कि कोई ना कोई दबाव है उनको, क्योंकि मैंने FIR के लिए कम से कम 200 बार कहा लेकिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं की मेरी। जो सिंदूर भरा था वो कौन था और उसके साथी फिर कैसे संपर्क में है, पूरा बताइए कैसे हुआ आपके संपर्क? जो सबसे पहला व्यक्ति उमेश सिंह था, जो अपने आप को पत्रकार बताता है, उसने ही ये सब प्रकरण रचा हुआ था सबसे पहले। उसके बाद जब मैंने इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया तो जब उसको लगा कि अब उसकी बात नहीं बन पाएगी तो इसके दो साथी हैं अमर मिश्रा और प्रद्युमन शुक्ला, इन दोनों ने भी साथ में मिलकर यही सब मेरे साथ किया और धमकी देते हुए मुझे अब आज तक परेशान कर रहे हैं। आप पहचानती हैं इनको, प्रद्युमन को? जी हाँ पहचानती हूँ। आपके पास है कुछ फोटो तो है? जी मेरे पास फोटो है इन दोनों की। ये अमर मिश्रा है, लाल शर्ट वाला अमर मिश्रा। हाँ अमर मिश्रा है और ये प्रद्युमन शुक्ला है। और वो जो तीसरा व्यक्ति था वो भी है क्या? तीसरा व्यक्ति ये है, मेन आरोपी ये उमेश। ये दुष्कर्म शुरू किया था? हाँ। शादी किया था फिर अपने दोस्तों को ले जी गया। जी तो सारा कुछ दो साथी हैं उन्होंने भी आपके साथ? जी जब इसको लगा कि अब कुछ भी नहीं होने वाला है, जब इसको समझ में आया कि अब मैं ये सब चीज़ से दूर जाने वाली हूँ, इससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैंने हर जब इसको धमकी दी थी कि अब मैं पुलिस के पास जाऊँगी, जब आज तक तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छे से डराया धमकाया, लेकिन जब उसको पता चला कि मैं पुलिस के पास जाने वाली हूँ तब इसने ये अपने दो साथियों को और मिलाया, इन लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और धमकी दी कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तुम करके देख लो। हाँ तीनों के पास वीडियो फोटो सारा कुछ है और मैंने डिलीट करने की कोशिश भी की कैसे भी, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं कहाँ बैकअप रखा हुआ, इन लोग फिर बैकअप ले लेते हैं। धमकी भी देते हैं और उन्होंने कहा है कि तुमको तो उठवा ही लेंगे, भाई बहन को भी उठवा लेंगे और जहाँ शादी हो शादी भी तोड़वा देंगे, तो तुम कहीं की नहीं रह जाओगे, तुमको अंत सुसाइड करना पड़ेगा, तो अभी जाके मर जाओ। कौन कौन से ऐसे स्थान है जहाँ ले जाते थे, आपने शायद गलत किया? इन्होंने ये जो उमेश सिंह है इसने तो मेरी झूठी वोटर आईडी बनवाई थी ताकि मुझे होटल वगैरह ले जा सके, एक आध बार रीवा के होटल भी ले गया है मुझे, मुझे नाम ध्यान नहीं है। और उसके बाद कंटिन्यू थी ये ज़्यादातर घर में ही आता था। तीनों व्यक्ति ये दो व्यक्ति हैं ये अभी फरवरी में आए हैं इसके साथ, लेकिन ये हमेशा शुरू से आज 6-7 साल से मेरे साथ यही कर रहा है। पत्रकार बताते हैं उसका साथी है पत्रकार, वो भी आपके घर में ही किए हैं? जी जी मुझे न्याय चाहिए है क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर है, ये मेरी कभी भी जान ले सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसके परिवार में भी कुछ लोग सब बड़े बड़े लोग हैं, तो ये मुझे कभी भी मार सकते हैं और कभी भी कटवा के फेंकवा सकते हैं, जिस डर से मैं आज तक छुपी हुई थी, लेकिन अभी मेरी ज़िंदगी पर बात आ गई, मेरे भाई बहन पर ज़िंदगी बात आ गई, अब मुझे ये कुछ भी करके मुझे न्याय चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मुझे इससे छुटकारा मिल जाए और ये इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जितना इसने मेरे साथ किया है, अगर इसको सज़ा नहीं मिली तो ये सच में मेरी ज़िंदगी तबाह कर देगा। शिकायत की है उमेश सिंह, प्रद्युमन शुक्ला और अमर मिश्रा के ऊपर कि दुष्कर्म किया था और धमकी दे रहे हैं। सर क्या मामला है अभी कि आप सामने आए हो? ये महिला ने एक शिकायत की है और इसकी शिकायत की जाँच सिविल लाइन थाना प्रभारी और उनकी टीम है जिसमें वंदना शर्मा सब इंस्पेक्टर ने की है। प्राथमिक जाँच से बताया है कि जो महिला है ये बांसघाट रहती थी, यहीं पर उमेश सिंह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रहता था, उनका संपर्क हुआ इसके बाद ही चले गए, जानकारी लगी कि उन्होंने शादी कर ली और कुछ फोटोग्राफ भी आए हैं सामने जिसमें से उमेश और ये महिला अपने शादी करने के बाद अपने मतलब महिला के पिता के पैर वैर छू रहे हैं, इस तरह के फोटोग्राफ भी शेयर हुए हैं, कुछ जानकारी में आया उसने भेजे हुए हैं। और इसके बाद भी महिला इस तरह की शिकायत करी तो पुलिस ने वो तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई करनी है, उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया गया है। दो पत्रकारों का भी नाम आ रहा है कि दबाव बनाया जा रहा था, उन्होंने भी दुष्कर्म किया सर इस मामले में?
इस संबंध में पुलिस को मैंने बता दिया कि इस संबंध में पुलिस पूरे तथ्यों की तस्दीक कर रही है, कहाँ की घटनाक्रम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्योंकि पति के साथ में ऐसा कोई व्यक्ति अगर ऐसा इन्वॉल्व हुआ है तो जानकारी लेना जरूरी है। इस कारण से महिला थाना और साथ में सिविल लाइन थाने की जो महिला अधिकारी है उसकी तस्दीक कर रही है। जानकारी लगी थी कि करीब 6 साल पुराना एक प्रकरण है, इसके बाद ये लोग इलाहाबाद रहे हैं, इलाहाबाद के बाद बता रहे हैं कि इनका कुछ अभी मार्च महीने में यहाँ बांसघाट पर कुछ विवाद भी हुआ था, जिसमें क्रॉस क्राइमिंग हुई है, जिसमें उमेश की परिवार के लोग और इसके परिवार के लोग एक दूसरे के खिलाफ क्राइमिंग हुई है, जिसमें ये महिला भी आरोपी है, साथ में उमेश के परिवार के लोग भी आरोपी हैं। दोनों मामलों की जांच पुलिस कर रही है। इसके बाद फिर तीसरी जो घटनाक्रम आया है सामने, इस संबंध में जो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं उसकी पुलिस जाँच कर रही है, जिसमें ये तथ्य आया है कि उमेश ने उसके साथ शुरुआत से ऐसा ऐसा किया, जबकि उमेश कह रहा है कि मेरी पत्नी से शादी हो गई थी, अभी कुछ विवाद हुआ तो जानकारी लग रही कि इसने महिला ने किसी और से शादी कर ली। अब इस तरह के तथ्य जो आ रहे हैं इसलिए पुलिस तस्दीक कर ले रही, महिला अधिकारी इसकी लगातार जांच कर रही है, आज भी वहाँ पर काफ़ी देर तक रही है थाने में, जांच की जा रही है, उसमें जैसे तथ्य आते हैं वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर देगी तत्परता से। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।